हमने बाबर की कैप्टनसी की बात की है, थोड़े से कुछ स्टैट्स हमारे सामने हैं। हम अपने होम सीरीज और होम सीरीज की जो डिटेल्स हैं उसके हवाले से बात करें तो जनवरी 2022 से लेके अभी तक 2020 तक जो हम पहुंच गए हैं, हमने कौन कौन सी सीरीज खेली, कितनी हारी कितनी जीती, वो हमें देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज हमारा जो होम सीजन था ना, वो इस दफा बहुत भारी भरकम था, बहुत सारी टीम्स आई। और सबसे पहले अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो फैसल, अगर आप इसको फर्दर ले, टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान ने अपने होम कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया से हम 1-0 हारे, इंग्लैंड से हम 3-0 हारे और फिर न्यूजीलैंड से हमने सीरीज को ड्रॉ किया। सो टेस्ट सीरीज में वी कुड नॉट विन अ सिंगल टेस्ट मैच इन होम कंडीशंस, जो एक काफी कंसर्निंग बात है। और उससे बाबर की कप्तानी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हुए हैं। सो ओडीआई फिर हम बात करते हैं। अगर ओडीआई की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से 2-1 जीता, वेस्ट इंडीज से हम 3-0 जीते और न्यूजीलैंड से हम हारे हैं 2-1। सो ओडीआई में हमारी परफॉर्मेंस कुछ हद तक बेहतर है और अच्छी बात यह है कि अब ओडीआई क्रिकेट बहुत आनी है। आपने एशिया कप ओडीआई फॉर्मेट में खेलना है, वर्ल्ड कप ओडीआई फॉर्मेट में खेलना है। देन वी कम टू द टी20 रिकॉर्ड्स। पाकिस्तान होम सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से हारा है 1-0, इंग्लैंड से हारा है 4-3, यादगार सीरीज थी। उसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल हारा है इंग्लैंड से, और न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने अभी जैसे देखा 2-2 ड्रॉ किया है। और जैसे हम कह रहे हैं, अगर उस दिन बारिश ना होती तो शायद ये किसी भी तरफ जा सकती थी सीरीज, बट ओवरऑल यू नो लॉट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट, बिकॉज आपके यंगस्टर्स से भी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपकी सीनियर टीम भी इसमें पूरी खेल रही थी। और लाला, हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस दीज परफॉर्मेंसेस ऑफ पाकिस्तान जो हमने लाला 9 सीरीज हमने होम में 9 सीरीज खेली है, 2 ड्रॉ किए हैं, 2 जीते हैं, बस दैट्स इट। देखिए है तो फिगर की बात ना, इसलिए तो मैं और आप लोग बात कर रहे हैं इस बात पे, क्योंकि होम सीरीज का तो फायदा जो एडवांटेज होता है वो यही होता है कि यार होम सीरीज है, हमने जीतना है। और ज्यादातर टीमें होम सीरीज जीतने के लिए खेलती है, जीतती है। तो मेरे ख्याल में ये बाकी बड़ी फिक्र की बात है। और मैंने जिस तरह पहले कहा कि बाबर काफी अरसा हो गया माशाल्लाह से लीड कर रहा है टीम को, तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें उसको पता होंगी। अगर नहीं पता तो मेरे ख्याल में जो मैनेजमेंट है उन्होंने बिल्कुल बात की होगी, और नो डाउट के इसको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके अब सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं। और बाबर अगर अपनी अपने आप को एज अ अच्छे बड़े प्लेयर के साथ साथ एक अच्छा कप्तान अगर मनवाना चाहते हैं तो इस परफॉर्मेंस के साथ एज अ कैप्टन तो वो नहीं मनवा पाएंगे। मेरे ख्याल में बाबर को भी जो है वो इस चीज को सीरियस लेना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में जो भी डिसीजंस होंगे वो उसको करने और कर भी रहा है माशाल्लाह से, चीजों को लीड भी कर रहा है, पूरी पावर भी दी हुई है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी, हर चीज है, सिक्योर है, सारे हम सब सपोर्ट कर रहे हैं उसको। लेकिन अब उसको जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ पाकिस्तान के लिए ऐसी अचीवमेंट ट्रॉफियों की शक्ल में, सीरीज की शक्ल में जो है ना वो अब उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। बिल्कुल लाला, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये एक पिछले कुछ दिनों में एक नोशन बन गया था कि नहीं जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना प्रेशर डाला हुआ है बाबर के ऊपर कप्तानी का और इस चीज़ का कि वो उनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी आ नहीं रही। एक अच्छी बात यह है कि अभी अनाउंस हो गया कि नहीं जी वर्ल्ड कप तक बाबर इज आर कैप्टन, विदाउट एनी डाउट्स अपना बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होके खेलें, क्योंकि अब हमने ये ODI सीरीज जो खेलनी है लाला ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो ODI फॉर्मेट है। सवेरा हर सीरीज इंपॉर्टेंट है, और ये अच्छा डिसीजन किया है क्रिकेट बोर्ड ने, मेरे ख्याल में आती कर देना चाहिए था कि भाई बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड कप तक कप्तान होंगे। तो मेरे ख्याल में जो ये बहस वगैरह जो सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं, या सवेरा होता भी ये है कि प्लेयरों के बीच में भी ना फिर चीजें माइंड में आ रही होती है प्लेयरों के, यार मैं ना कप्तान बन जाऊं, मेरी तरफ कप्तानी आ रही है। ये एक इंसान की है, एक हम जब खेलते थे तो ये सारी चीजें हमारे टाइम में भी रही है, यार उसको कप्तानी से हटा रहे हैं या मुझे कप्तान बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। तो इसका बेहतरीन हल यही था कि आप उसको सीधा सीधा साल के लिए बोल दो कि भाई आप वर्ल्ड कप तक के लिए कप्तान हो, खत्म, जो आप कर सकते हैं करें, तो ताकि और प्लेयर भी उनके भी जहनों से निकल जाए कप्तानी का भूत। बिल्कुल शायद भाई, आपको ये लगता है कि हम जो है थोड़ा सा कम्प्लेसेंट थे इस सीरीज में भी, और हम थोड़ा सा जो इंटरनेशनल जो टीमें सक्सेस हासिल करती हैं उसको हम अडाप्ट नहीं करते। जैसे हमने इंग्लैंड को देखा है, उन्होंने अपना पूरा फॉर्मेट खेलने का तरीका पूरा चेंज कर लिया है, वरना वो बड़ा स्ट्रगल करते थे ICC टूर्नामेंट्स में, लेकिन अब वो रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप भी जीता, वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीता 50 ओवर।
लेकिन पाकिस्तान जो है वो ये जो लर्निंग्स हैं वो नहीं अडॉप्ट करता। आपकी अगर बेंच को देखें तो वो सही यूटिलाइज नहीं होती, आप स्ट्रगल करते हैं जब बाबर ना खेलें या रिजवान ना खेलें, आप कोशिश करते हैं कि जो आपके पसंदीदा प्लेयर्स हैं उनको आप खिलाते रहें। जैसे हम देखते थे हसन अली, लगता था कि वो मिसफिट हैं लेकिन वो खेल रहे थे। अभी अगर शादाब को देखें तो हमें लगता था कि शायद उनको रेस्ट करवाया जा सकता था लेकिन वो खेलते रहे। सो डू यू थिंक कि ये जो चीज़ें हैं कि हम अडॉप्ट नहीं करते, हम चेंजेस के लिए घबराते हैं, ये चीज़ें अब अफेक्ट करती हैं जो हम रिकॉर्ड्स देख रहे हैं या आगे जो सीरीज़ आनी है उसमें भी हम डरे हुए हैं कि हम वर्ल्ड कप में किस तरह परफॉर्म करेंगे या एशिया कप में किस तरह परफॉर्म करेंगे। फैसल, अभी आपने बात की है, इंग्लैंड की मिसाल दी आपने, तो इंग्लैंड किस तरह क्या किए उन्होंने, ऐसा क्या प्रोसेस था उनका, उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उन्होंने काउंटी क्रिकेट में किए हैं, क्लब में किए हैं, वहां से प्लेयर्स का माइंड चेंज किया, उन्होंने काम किया है यार, तब जाके वो बेस्ट टीम बनी है। हम क्यों बात कर रहे हैं, इसलिए कि वो बेस्ट है तो उसकी वजूहत है, उन्होंने वो कौन से ऐसे प्रोसेसेस किए हैं, उनको नीचे से शुरू किया है, उन्होंने माइंडसेट नीचे से चेंज किया है। कोई अब हम अचानक अगर पाकिस्तान टीम का माइंडसेट चेंज करेंगे ये पॉसिबल नहीं है। आपको आपको जो है वो नए जो हमारे टैलेंट आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, उनके अंदर उनके साथ ये कॉन्सेप्ट को जो है ना ये अवेयरनेस उन बच्चों को देनी है। जो मैंने आज जब चीफ सिलेक्टर बना था, जब मैंने कहा था कि स्ट्राइक रेट जो है वो इतना होना चाहिए 130-135 के बीच में, वो सिर्फ पाकिस्तान टीम के लिए नहीं था, वो उन बच्चों के लिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट अंडर 19, ताकि उन बच्चों को अभी से प्रिपरेशन होती उनकी। तो मेरे ख्याल में देखें, एक तो वो चीज है, दूसरा उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से इंग्लैंड के प्लेयर टीम ने किया, उनके जो भी स्पोर्ट्स डायरेक्टर वगैरह जिस तरह लेके चले वो थे। दूसरा, हमेशा मैंने बात करता रहा हूँ, सवेरा हम लोग बात करते रहे कि आपकी बेंच जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो बेंच स्ट्रांग का मतलब यही होता है कि अगर आप जैसे शादाब है, भाई शादाब को 2-3 मैच खेल लिए, 5 मैच खेल लिए, ठीक है, आपके पास नीचे बेंच पे उसामा मीर है, उसामा मीर को खिलाओ, उसको कॉन्फिडेंस दो थोड़ा सा। कभी कभार प्लेयर को रेस्ट चाहिए होता है, जब रेस्ट चाहिए होता है, जब देख रहा होता है कि यार मेरे पीछे एक प्लेयर बैठा हुआ है, वो परफॉर्म कर रहा है, मुझे जब मौका मिलेगा मैंने परफॉर्म करना है, वरना प्लेयर बैठा हुआ है पीछे, तो हमें मौके देने चाहिए। एहसान उल्लाह की अगर मैं बात करूं, वो शारजा में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके आया, उसको आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ बिठा दिया यहाँ लाके, ये तो गलत है, और उसको हमने सीरीज का आखिरी मैच दे दिया। यार आप उसको चांस दो, खिलाओ उसको, अभी खेलने के दिन है उसको। उसकी परफॉर्मेंस ना होती तो आपके बेंच के ऊपर नसीम शाह बैठा था या दूसरा तीसरा बैठा हुआ था, उनको खिला देते। लेकिन एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस जरूरी है। और लाला, अब ये मौका जो है, मेरा ख्याल से ODI जो सीरीज है हमारी उसमें ये मौका जो है वो दिया जा सकता है, उसामा मीर को आप शादाब के जगह जो है वो चांस दे सकते हैं, खिला सकते हैं। आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि जो है किस तरह वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बिकॉज उसामा की अभी रिसेंट पास में परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी रही हैं। उसी तरह क्या ऐसा हो सकता है कि रिजवान रेस्ट कर लें थोड़ा सा, कि मोहम्मद हारिस को इंक्लूड किया, कि मोहम्मद हारिस को मौका मिल जाए खेलने का। ODI के हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या क्या तब्दीली करनी चाहिए? लगा देखें, अभी आप मोहम्मद हारिस में भी कोई 100% कॉन्फिडेंट तो नहीं है ना कि वो आपके लिए जाएगा और डिलीवर करेगा। रिजवान ये कि बैटिंग करने जा रहा होता तो बंदा कॉन्फिडेंट होता है कि यार ये रन करेगा ये लड़का, ठीक है ना, तो वो कॉन्फिडेंस तो हारिस की तरफ से जब परफॉर्म करेगा तो हमें मिलेगा ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि रिजवान को, हाँ ठीक, आप मैचेस खेलें, रिजवान खेलें, उसके बाद आप चांस दे सकते हैं, हारिस को बिल्कुल चांस दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि रिजवान भी खेल रहा है और हारिस भी खेल रहा है और हारिस को एज अ जेन्युइन एज अ बैट्समैन खेल रहा हो, तो वो उसके फेवर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँगा। सीरीज इंपॉर्टेंट है, होम सीरीज है, जीतना चाहिए हमें, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, हर एक प्लेयर की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप में जाने से पहले, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए इंडिविजुअल और एज अ टीम। बाबर के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर।